सही समय में अगर प्रून करते रहें, ब्रांच भी अगर ध्यान देते रहें, तो आपको वायरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ता। आप देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम अपना एक बोनसाई पेड़ दिखा रहे हैं, जिसको हमने ब्लैक कलर का पत्थर जो हमने हाथ से बनाया था, उसमें हमने इसको इसका रूट को जकड़े हुए हैं और बाद में इसका हम कवर हटाएंगे। अभी गर्मी का दिन है दोस्तों, अभी हम नहीं हटाएंगे। हालांकि ये ग्रोथ कर रहा है। आज हम इसका ट्रिम करेंगे। इसका अपडेट दिखाने के लिए हमारे पास कमेंट आया था, तो हम इसका नेक्स्ट अपडेट दिखा रहे हैं। अभी हम इसमें काम ये करेंगे कि इस पे ट्रिम करेंगे और कुछ ब्रांच का कटिंग करेंगे। तो कैसा कटिंग करना है आज हम आप लोग को बताएंगे। और आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा ग्रोथ कर लिया है। हम हटा रहे हैं और कुछ दो तीन पत्ती रहने देंगे। जितना बड़ा बड़ा पत्ती है पहले हम उसको हटा रहे हैं। पत्ती हटाने के बाद इसका ब्रांच का सेप पता चल जाता है कि कौन सा ब्रांच को कैसा सेप देना है और किसको काटना है। इस सारे चीज़ लीफ हटाने के बाद पता चलता है। तो सबसे पहले आप काम ये कर लें कि सारे पत्ती को हटा लें। सबसे अच्छा प्रून का समय होता है फरवरी से अप्रैल तक का महीना, और ठंड में बिल्कुल भी आप प्रून मत कीजिएगा। उस समय डोरमेंसी के पेड़ में रहते हैं सारे पौधे, सुप्त अवस्था में होते हैं, तो उस समय आप प्रूनिंग मत कीजिएगा। ये वाली ब्रांच बहुत लंबा जा रहा है, ये वाले ब्रांच, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो यहाँ से दो शाखा और निकलेगा, यहाँ से निकल गया ये भी, ये वाली ब्रांच। यहाँ से हम इसको कट करेंगे तो यहाँ से दो फिर निकलेगा, ये वाली ब्रांच, ये कट कर देंगे, बाकी इसमें दो है। बाकी लगभग अभी छोटे ब्रांच हैं, हम अभी कटिंग नहीं करेंगे, ये इसको कट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ने देते हैं क्योंकि ये अभी बहुत ही सॉफ्ट है, कोमल है, इसको अभी काटेंगे नहीं तो मर जाएगा। देखिएगा कि इसका मोटाई देख के भी काटना पड़ता है। तो अभी दो तीन ब्रांच हम कटिंग किए हैं, देखते हैं आगे और क्या। और कटिंग करने के बाद हम फंगीसाइड डाल रहे हैं, इससे ये खराब नहीं होता है। अब एक चीज और बता रहा हूँ फ्रेंड्स आप लोग को, अगर आप सही समय में अगर प्रून करते रहें, ब्रांच भी अगर ध्यान देते रहें, तो आपको वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। आप देख रहे होंगे इस प्लांट में मैं वायरिंग करूंगा नहीं, क्योंकि कंटिन्यू मैं इस पेड़ पे ध्यान दे रहा हूं, केयर कर रहा हूं। तो जहां जहां आप कटिंग करेंगे ये ब्रांच निकलता जाएगा। ज़्यादा लंबा मैं ब्रांच नहीं कर रहा हूं, तो आपको वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप सही समय में ब्रांच कटिंग करते हैं तो होता है। तो आज का इतना ही वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया वीडियो के साथ। थैंक यू।